हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फायर फाइटिंग सिस्टम के ऊपर जानकारी ली थी, जिसमें हमने फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग सिस्टम के इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, फायर स्टेज क्या होती है, इनके बारे में बेसिक जानकारी ली थी। आज के वीडियो में हम फायर फाइटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक के ऊपर है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये वीडियो पिछले वीडियो से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने बेसिक से बेसिक माइक्रो लेवल की जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है क्या। व्हाट इज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम? अ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इज एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन मेथड कंसिस्टिंग ऑफ अ वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइडिंग एडेक्वेट प्रेशर एंड फ्लो रेट टू अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम ऑन टू विच फायर स्प्रिंकलर आर कनेक्टेड। मतलब फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें फायर को प्रोटेक्शन करने के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है और उसके साथ ही प्रेशर और फ्लो रेट को भी मेंटेन किया जाता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। What is the function of fire sprinkler? They reduce the risk of death or injury from fire because they dramatically reduce heat, flame and smoke, allowing people the time to evacuate a home. मतलब fire sprinkler का जो function है वो कैसे होता है कि अगर किसी building में, किसी घर में, किसी warehouse में अगर आग लग जाती है तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है, रिस्क फैक्टर कम कर देता है, क्योंकि आग के वजह से होने वाली हीट फ्लेम के वजह से स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यही फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का मेन फंक्शन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अ फायर स्प्रिंकलर इज द कंपोनेंट ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम दैट डिस्चार्ज वाटर व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ फायर हैव बीन डिटेक्टेड। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है दोस्तों कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसका फंक्शन तो हमने देखा, लेकिन ये कभी एक्टिव होता है कि जब भी किसी बिल्डिंग में, किसी घर में आग लग जाती है तब ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम उसके फायर की हीट की वजह से, फ्लेम की वजह से एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, ये वाटर को डिस्चार्ज कर देता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम: वेट पाइप, ड्राई पाइप, प्री एक्शन और डिलोग। तो ये चार सिस्टम है दोस्तों फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के, और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम वो कौन सा है, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम इज मोस्ट कॉमन। मतलब वेट पाइप सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉमन है। अभी हम आगे समझते हैं कि जब फायर लगती है तो स्प्रिंकलर कैसे एक्टिव हो जाता है, अपने आप वाटर डिस्चार्ज करता है कि कुछ प्रोसेस होती है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ईच स्प्रिंकलर हेड कंटेन अ ग्लास बल्ब और अ फ्यूजिबल लिंक। मैं आपको एक इमेज द्वारा ये बताना चाहूँगा कि स्प्रिंकलर हेड में क्या क्या कंटेंट रहते हैं। ग्लास बल्ब किसे कहते हैं, या उसी को फ्यूजिबल लिंक भी कहते हैं, तो वो एक्चुअली होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये स्प्रिंकलर हेड का डिटेल्स है। इसमें ग्लास बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, इसमें प्लग भी दिया जाता है दोस्तों और फ्लेम भी होता है। अब आगे देखते हैं कि वाटर स्प्रिंकलर कैसे काम करता है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। How do water sprinkler work? Fire sprinkler work because high heat triggers the sprinkler system. मतलब जब भी किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो जो हाई हीट होती है, हीट के वजह से क्या होता है, जो ग्लास बल्ब है वो डैमेज होता है और स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिव हो जाता है। आगे समझते हैं कि what is water sprinkler? हम कैसे एक्टिव होता है वो तो समझ लिया, लेकिन उसके पहले हमको क्या समझना है कि water sprinkler system क्या है। What is water sprinkler? A sprinkler is a device used to spray water. Sprinkler are used to water plants or grass or to put out fires in buildings. तो दोस्तों, sprinkler का मतलब ही water को sprinkler करना या spray करना water को। आपने ये system जो sprinkler system आपने cricket ground पे भी देखा होगा, खेतों में देखा होगा, यही सेम सिस्टम बिल्डिंग्स में भी लगा होता है ताकि जब भी आग लगती है तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम अपने पानी के प्रेशर से आग को बुझा सके। आगे कुछ बेसिक जानकारी आपको स्लाइड के माध्यम से देना चाहूँगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फायर स्प्रिंकलर डिटेक्ट द फायर एंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल इट, सेविंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो फायर स्प्रिंकलर जो है वो क्या करते हैं,
फायर को डिटेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हीट बढ़ जाती है तो ग्लास बल्ब जो होता है या फ्यूजिबल लिंक जो होती है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है और फायर स्प्रिंकलर एक्टिव हो जाता है। इससे क्या होता है, लोगों की जानें बचती है, प्रॉपर्टी बचती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फायर स्प्रिंकलर का। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दोस्तों, वाटर प्रेशर इज मेजर इन पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो वाटर का प्रेशर मेजर करने का यूनिट क्या है दोस्तों, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसे PSI भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। अगले स्लाइड में हम देखेंगे, मोस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम आर डिजाइन टू यूज प्रेशर ऑफ अराउंड 30 PSI। मतलब बहुत ज़्यादातर स्प्रिंकलर सिस्टम जो होते हैं उनको 30 PSI प्रेशर पर स्क्वायर इंच के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, इस प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, 135 टू 165 डिग्री टेम्परेचर विल सेट ऑफ अ फायर स्प्रिंकलर। तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बैक फ्लो प्रिवेंशन डिवाइस, दूसरा कंट्रोल वॉल, मेन ड्रेन, ऑक्सिलरी ड्रेन, फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन, वाटर फ्लो अलार्म और सिस्टम एयर वेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों, व्हाट लिक्विड यूज इन स्प्रिंकलर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एक सिविल इंजीनियर को फायर फाइटिंग के बारे में भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। द लिक्विड विद इन द एम्प्योल ऑफ द स्प्रिंकलर हेड इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर और ग्लिसरीन एंड वाटर। तो दोस्तों इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाता है कि अगर स्प्रिंकलर सिस्टम में कौन सा वाटर यूज़ किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि स्प्रिंकलर सिस्टम में ग्लिसरीन और वाटर यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द ग्लास बल्ब फॉर एन ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर हेड इज द एक्टिव कंपोनेंट दैट ब्रेक व्हेन इट रीच इट्स नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि जो स्प्रिंकलर कंपोनेंट होता है उसमें ग्लास बल्ब जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है जब भी उसको एक सर्टेन लेवल का टेम्परेचर हीट कर जाता है, तब वो क्या होता है, ग्लास बल्ब ब्रेक हो जाता है और स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ग्लास बल्ब जनरली इन टू साइजेस, फर्स्ट है 3 mm जिसे क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, और दूसरा है 5 mm जिससे स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ड्यू टू थर्मल कंडक्टिविटी द थिनर, मतलब 3 mm वाला जो ग्लास बल्ब होता है वो क्विक रिस्पॉन्स देता है। ड्यू टू थर्मल कंडक्टिविटी द थिनर क्विक रिस्पॉन्स विल रिस्पॉन्ड मोर क्विकली। मतलब जो 3 mm वाला ग्लास बल्ब होता है वो जल्दी रिस्पॉन्स देता है क्योंकि उसका थिकनेस कम होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, व्हाट इज द कलर कोड फॉर स्प्रिंकलर हेड। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर रेटिंग और कलर कोड। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में है, तो टेम्परेचर के हिसाब से ये कलर कोड्स दिए जाते हैं। ये आपको खाली ध्यान में रखना है कि वाइट, ब्लू, रेड और ग्रीन कलर का भी स्प्रिंकलर हेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, व्हाई इज़ फायर स्प्रिंकलर वाटर ब्लैक। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बाय फार द मोस्ट कॉमन कोरोजन रिएक्शन फाउंड इन फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इन ऑक्साइडेशन। मतलब फायर स्प्रिंकलर पाइप्स में जो पानी होता है वो बहुत बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक वो उसमें पड़ा रहने की वजह से क्या होता है, कोरोजन रिएक्शन हो जाता है और ऑक्सीडाइजेशन की वजह से फायर स्प्रिंकलर का वाटर जो होता है वो ब्लैक होता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर हेड्स। कि ऑल फायर स्प्रिंकलर आर वन ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट है पेंडेंट, सेकेंड अपराइट, थर्ड है साइड वॉल और चौथा है कंसील्ड। तो ये क्या है, टाइप्स है फायर स्प्रिंकलर हेड्स के। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द फायर स्प्रिंकलर हेड। मोस्ट स्प्रिंकलर हेड फ्यूचर अ ग्लास बल्ब फील्ड इन अ ग्लिसरीन बेस लिक्विड। जैसे कि मैंने कुछ स्लाइड पहले मैंने बताया था कि स्प्रिंकलर में कौन सा लिक्विड होता है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन भी है दोस्तों कि
मोस्ट स्प्रिंकलर हेड फीचर अ ग्लास बल्ब फिल्ड विथ ग्लिसरीन बेस्ड लिक्विड। तो ज़्यादातर स्प्रिंकलर हेड्स में क्या होता है, ग्लास बल्ब जो होता है, आपने रेड कलर का देखा पिछले स्लाइड में, वो उसमें क्या होता है, ग्लिसरीन बेस्ड लिक्विड होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊंगा आपको कि अ स्प्रिंकलर कैन बी सेट ऑफ बाय हीट यानी फायर। तो दोस्तों स्प्रिंकलर जो है वो सेट किया जाता है हीट के ऊपर, फायर के ऊपर। जो पिछले स्लाइड में हमने कलर कोड देखा उसमें जो टेम्परेचर दिखा था उसके हिसाब से। दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत नरम होने की वजह से मुझे बुखार है और ठंड लग रही है, इसके लिए मैं ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं लिटरली कांप रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये वीडियो ज़्यादातर स्लाइड आगे करके और मुझे पीछे रख के बनाया है, और वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी में भी बनाने की कोशिश हो गई है मेरे से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर मेरी ये कोशिश आप तक पहुँची होगी, अगर मेरा ये नॉलेज देने का तरीका आपको पसंद आया होगा, या मैंने जो जानकारी देने की कोशिश की है वो अगर आप तक पहुँची होगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हम यूट्यूबर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना इसके लिए कहते हैं क्योंकि हम जब भी वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि मेरी ये कोशिश है दोस्तों कि सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है और सिविल इंजीनियर के लिए जॉब्स जो होती है उनका अपडेट आप तक मैं ये मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा पहुँचा सकूँ। ऐसे ही दोस्तों जो फायर फाइटिंग का सिस्टम है, उसके बाद ये फायर स्प्रिंकलर का आज का वीडियो है, इसके साथ ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो ऑन फायर हाइड्रेंट सिस्टम। दोस्तों कि मेरी ये कोशिश है कि आपको एक सिविल इंजीनियर को क्या क्या नॉलेज रखना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों हालांकि वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, कुछ कमी रह गई होगी, तो माफ़ी चाहता हूँ। और जल्दी से ही मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं मेरा ख्याल रखता हूँ। धन्यवाद।